दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। ओमिक्रॉन की वजह से ये फैसला लिया गया है। किसी भी मॉल में एंट्री करने के लिए फुल वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है, एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठे। और मुंबई में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई गई है। 31 दिसंबर तक धारा 144 मुंबई में लागू रहेगी। ओमिक्रॉन की वजह से ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में ही नहीं, अब हर राज्य में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे बात राजस्थान की हो, दिल्ली की हो। दिल्ली में तकरीबन 4 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और वहीं राजस्थान में 8 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो मामले लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब मुंबई में सख्ती बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर अब मुंबई में धारा 144 31 दिसंबर तक लागू रहेगी और 31 दिसंबर तक एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर अनुमति नहीं है। अगर कहीं भी एक से ज्यादा 5 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं देश में लगातार ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। दिल्ली में भी 6 केस सामने आ चुके हैं जिनमें से 5 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। और इस मुद्दे पर न्यूज इंडिया ने LNJP के MD डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतें। कोरोना के बाद अब देश के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है पूरे देश के अंदर पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 6 केसों की पुष्टि हुई है। उनमें से जो कुछ पेशेंट हैं वो LNJP के अंदर एडमिट हैं। LNJP के जो MD हैं सुरेश कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर 6 केसेस की पुष्टि हुई है, उनको कहाँ रखा गया है, क्या कंडीशन? हमारे यहाँ पे अलग से हमने एक वार्ड बनाया है ओमिक्रॉन के लिए और वहाँ पर रखा है। इसमें एक पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर स्वस्थ होकर घर भी हमने डिस्चार्ज भी कर दिया और बाकी 5 पेशेंट एडमिट हैं। और बाकी जो पेशेंट्स हमारे पास जो संदिग्ध हैं वो एयरपोर्ट से आते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, UK हैं, फ्रांस है, काफ़ी सारे कंट्रीज जहाँ जहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस देखने को आते हैं। और उन वहाँ से कोई ट्रेवल करके यहाँ पर आता है एयरपोर्ट पर, उसका RT-PCR या रेड पॉजिटिव होता है तो हमारे यहाँ पर एडमिट होता है। उसका हम यहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। सर, देश की जनता के अंदर एक सवाल कौंध रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर जो इससे पहले वेरिएंट आए कितना खतरनाक। देखिए, इससे पहले हमारे पास जो डेल्टा वेरिएंट था जो कि 100 से अधिक देशों में जिसके मामले देखे गए, डेल्टा वेरिएंट से यदि हम इसकी तुलना करें तो डेल्टा वेरिएंट में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा थे, खांसी ज़्यादा होती थी मरीज को, सांस ज़्यादा फूलता था और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता था। डेल्टा में मरीज़ की हालत तेज़ी से बिगड़ती थी और उनको ICU की आवश्यकता होती थी, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती थी। ओमिक्रॉन में हल्के लक्षण हैं, बहुत हल्का बुखार या सिर में दर्द, बदन दर्द या कमजोरी का आना, ये मुख्यतः लक्षण है। और ओमिक्रॉन में इतना सीरियस इलनेस नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन या डेथ भी बहुत कम है क्योंकि मामले अभी बहुत कम हैं और अभी तक इंडिया में कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इसको लेके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हमें जागरूक होना है, समझदारी से काम लेना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कोविड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है। तो बिल्कुल, ये थे LNJP के MD सुरेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप प्रिकॉशन अपनाएंगे तो आप ओमिक्रॉन से भी बच सकते हैं। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का आप यूज कीजिए, दूसरा मास्क को सबसे पहले लगाइए। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ओमिक्रॉन जो है वो कितना खतरनाक देश के अंदर है। हालांकि सुरेश जी ने साफ कर दिया कि ओमिक्रॉन से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो ओमिक्रॉन से डरे नहीं, पैनिक ना हो, बस सावधानी बरते। चलिए, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।